नागौर जिले की ग्राम पंचायत भकरी में बने बांध प्रशासन व राजनीतिक कमजोरी के चलते बांध कई वर्षों से नहीं भरा। बाद में कई गांव का पानी पहुंचता था सही से, बाद में जिस नहर से पानी पहुंचता था उससे सिल्ट नहीं निकाली गई। कुछ बारिश की कमी रही। जब हमारी टीम ने ग्रामीणों से इस बारे में बात की तो समस्या से अवगत करवाया। हाल ही में बने सरपंच अख्तर हुसैन के द्वारा गांव का विकास को प्रगति की ओर ले जाते हुए कई पंचायत के हित के लिए काम किए और सरपंच का मानना है कि इस बात की सफाई के लिए नरेगा के तहत काम हो रहा है। अपने कार्यकाल में एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की मुहिम पर काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। और आज राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी जो समस्या है, पीने के पानी की जो समस्या चल रही है पूरे राजस्थान के अंदर, बात करेंगे तो आज कहीं ना कहीं नहर, जो नहरबंदी चली उसके अंदर भी काफ़ी पीने के अंदर बहुत बड़ी समस्या आ रही है। बिसलपुर बांध है, उसका लेवल भी पानी से जो नीचे आ चुका है। तो हम आज नागौर ज़िले के एक ऐसी ग्राम पंचायत में पहुंचे जहां बकरी पंचायत है, जो नागौर ज़िले का सबसे बड़ा तालाब है यहां पे, वो भी आज सूखा पड़ा है। तो आज हम इन पे बात करेंगे, तालाब के अंदर भी, तालाब कब भरा आप देख रहे हो पूरे। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि पूरे जो तालाब है उसका एक बार यहाँ से दर्शकों को दिखाए थोड़ा। तो आज हम आपको इस तालाब के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। हमारे साथ खान साहब है तो उनसे बात करेंगे भी ये तालाब कब बना था और ये तालाब लास्ट बार कब भरा था। तो खान साहब, जैसे ये तालाब है आपके, ये बना हुआ है जो इधर आ जाओ, तो इधर क्या नाम है, तालाब भरा हुआ है तो ये तालाब कब भरा था लास्ट टाइम के अंदर? ये अभी 2020 के अंदर भरा था और अब भी मानसून नहीं आया है, बरसात की कमी है, बारिश होने पर हो सकता है आपकी बार और भर जावे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई बारिश हो और ये भरे, तालाब भरे, ऐसा है। तो जैसे बात करते हैं आपके जो ये बकरी पंचायत है, तो बकरी पंचायत के अंदर पीने की पानी की समस्या, पानी स्थिति कैसी है यहाँ पे? स्थिति वैसे मतलब ठीक है, लेकिन ये मवेशियों के लिए और सबके लिए जब बारिश हो जाती है ना, तो ये तालाब का पानी बहुत अच्छा काम आता है। तो अभी जो पानी पहुंच रहा है आपके, तो वो कौन से बिसलपुर बांध का आ रहा है या फिर आपके इंदिरा गांधी नहर का? इंदिरा गांधी नहर का पानी अभी शुरू नहीं हुआ है, काम चल रहा है, पूरा काम अभी बाकी है, कुछ बाकी है, हो रहा काम चल रहा है अभी। तो ये तालाब खान साहब कब बना था यहाँ पे, कब निर्माण हुआ है? ये करीब 400 साल पुराना है। ये बकरी का जो किला है, वो किला बना था उस टाइम, ये तालाब बना था राजा महाराजाओं के ज़माने में बना था ये, और 400 साल हो गए करीब इनको ये बात। तो खान साहब, जैसे ये बीच में जो ये अलग अलग जैसे कुएं से बना रखे हैं, तो ये इतने कुएं क्यों बने? ये सब समाज के अलग अलग कुएं हैं, हर समाज का एक कुआ होता था, उससे हर समाज अपना पानी लेके जाते थे ये बात। तो जैसे क्या लगता है, ये तालाब भरने के बाद में इस एरिया के अंदर सिंचाई वगैरह भी होती है? नहीं, तालाब से सिंचाई नहीं होती है, तालाब के अंदर मतलब मवेशियों के लिए ये और पीने के लिए जो कुएं हैं वगैरह, इससे पानी लेके जाते हैं लोग, ठंडा पानी तो मिलता है। तालाब के साथ साथ जैसे तालाब भी है और बकरी के अंदर ये जो बांध है यहाँ पे जी, तो बांध की स्थिति इस टाइम क्या है? बांध जो पूरा बांध है, बांध लास्ट टाइम कब भरा था पूरा बांध एकदम, आपने पानी देखा? 2019 में भरा था ये, लेकिन कई 30-35 साल से इसकी चादर नहीं चली है। चादर जो होती है ना, वो चादर नहीं चली और नहरें भी नहीं चली थी, सिंचाई नहीं होती है, करीब 10-15 साल हो गए इसमें सिंचाई नहीं हो रही है अभी। तो कई बारिश भी पीछे तो काफ़ी हुई थी, इसका कारण क्या रहा, पानी रुक क्यों नहीं रहा? जो कैचमेंट एरिया है वो रुका हुआ है, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है और छोटे छोटे बांध वगैरह बन गए, एनीकट बन गए और इसका काम भी नहीं हुआ था। ये जो कैचमेंट है इसका, वो चैनल है, नहर है, वो नहर के अंदर रुका हुआ है, मिट्टी भरी पड़ी है। यदि वो नरेगा से या किसी योजना से मान लो वो मिट्टी हटाई जाए तो इसमें पानी आ सकता है। तो पिछली बार जैसे सरकार ने एक जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना लागू की थी, तो उसके तहत इस बांध के अंदर इस तालाब में क्या काम हुआ? जो पिछली बार योजना थी तालाब के अंदर, तो उसके अंदर इसमें कुछ मॉडल तालाब बनाने की कुछ ऐसा था यहाँ पे, कभी कोई आया यहाँ पे? हाँ, कभी विधायक, कभी एमपी ने कोई, जो सांसद आपके, उन्होंने कोई एक्शन लिया इसके ऊपर? हाँ, ये हुआ था, खुदाई कार्य हुआ था, हर साल इसका मतलब जब भी नरेगा से होता काम तो इस होता है, इसकी मिट्टी बाहर निकालते हैं जी। तो ये थे हमारे साथ खान साहब, तालाब के बारे में जानकारी दी और आज हम पूरी बकरी पंचायत है उसकी जानकारी लेंगे और यहाँ के जो वर्तमान सरपंच है यहाँ पे उनसे बात करेंगे भी, इस जो बांध है
और जो यहाँ का जो इस बांध की देख रेख के लिए बताया, अभी तक इसकी जो काम होना था बांध के अंदर वो नहीं हो पा रहा था, उसका कारण क्या है? इस बांध में जो पानी पहुँचता है जिस नहर के तहत, तो आज हम अब इस नहर पे पहुँचे हैं। नहर की जो स्थिति है बहुत ही खस्ता हालत है इसकी। इसके अंदर आज तक लगता है भी कभी इस पर कभी काम नहीं हुआ, सरकार ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और प्रशासन ने सरकार को कभी अवगत भी नहीं कराया होगा, क्योंकि आज जो स्थिति आप देख रहे हो, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस नहर की जो स्थिति है वो दिखाए। बारिश काफ़ी होती है लेकिन इस एरिए के अंदर ये बांध है, कम से कम इस बांध के अंदर इतना पानी भर सकता है, कई गाँवों से होकर यह नहर आती है, कई गाँवों का पानी इस बांध तक पहुँचता है। तो हमारे साथ खान साहब हैं, उनसे बात करेंगे भी ये जो पानी है क्यों नहीं पहुंचता, इसका कारण क्या है। खान साहब, जो पानी बांध के अंदर जो आना चाहिए, तो ये बांध के अंदर पानी क्यों नहीं आता? जैसे हालात इस नहर की काफ़ी खस्ता हालात लग रही है हमें, तो इस नहर का काम कब हुआ? ये 2010 के अंदर इसका ये जो हुआ था, नहर की खुदाई हुई थी और ये पिचिंग बनी थी, उसके बाद में काफ़ी सालों से 2010 के बाद में इसकी वापस कोई रिपेयर नहीं हुई है। ये मिट्टी भरी पड़ी है, इधर भी मिट्टी भरी पड़ी है ये, और आगे भी इससे पहले आगे भी जो हैं गांव हैं कई, वहाँ पे कई निकट बन गए हैं, और इस बांध के लिए जो पानी आता है ना, उसमें आगे से जो रुकावट है जो है ही, लेकिन ये सबसे बड़ी रुकावट ये भी है कि ये जो मिट्टी जमी हुई दिख रही है आपको, ये मिट्टी हट जाए तो काफ़ी मतलब बांध में पानी आ सकता है। सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो किसान हैं, उन्होंने कभी उनको अवगत नहीं कराया, कभी यहाँ के जो स्थानीय MLA है, यहाँ के जो प्रशासन है, उनको कभी अवगत नहीं कराया इस चीज़ से भी ये पानी यहाँ पे नहीं पहुँचता? नहीं, अभी 4-5 महीने पहले प्रस्ताव बना के भेजा था, ग्राम पंचायत ने कहा था इरीगेशन डिपार्टमेंट को, अभी शायद कोई प्रस्ताव भेजा हुआ है, अभी आया नहीं, सेक्शन नहीं आई है, हो सकता है अभी 1-2 महीने में कोई सेक्शन आ जाए। और ये होने से मतलब दो फायदे होंगे, एक तो पानी की आवक होगी, दूसरी बात क्या है, जो नरेगा के मजदूर हैं उनको मजदूरी मिलेगी, अच्छी मजदूरी मिलेगी। लंबा छोड़ा एरिया है ये, चैनल लंबा है, यदि इससे काम होगा तो मजदूरों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। तो खान साहब ने बताया नरेगा के तहत ये काम हो सकता है, लेकिन हमने देखा है राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत से जो नरेगा का जो काम चलता है, नरेगा कहीं ना कहीं जो काम होना चाहिए, जो स्थाई काम होना चाहिए, जो आज पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया के अंदर, तो ऐसी चीज़ों पे काम नरेगा के तहत होने चाहिए। सरकार को इस पे सोचना, एक बार गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। तो आज इस तालाब से जुड़ी हुई समस्या है, उसी पे बात करेंगे। काफ़ी बड़ा तालाब है, पुराना तालाब है, तो आज पानी की क्या स्थिति है इनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, तो सर यहाँ पर पानी की क्या समस्या है पीने की? पानी की तो समस्या ही समस्या है साहब, पानी जैसे 5 दिन से, कभी 6 दिन से, कभी 7 दिन से, 10-10 दिन से पानी आता ही नहीं है। आता है तो कभी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लास्ट। तो आपके पानी बिसलपुर का आ रहा है या इस जो बांध का आ रहा है? बिसलपुर की तो अब जो टोंटियाँ लगाई है, आधी टोंटियाँ लगी है, आधी टोंटियाँ ही नहीं लगाई अभी तक, पड़े ऐसे पाइप बाहर ही पड़े हैं। हाँ, तो पानी की पूर्ति कहाँ से करते हो आप? पानी पूर्ति टैंकर आ रहे हैं, टैंकर वाला कितने? 300 रुपये लेता है। तो ये जो टैंकर आप पर्सनल डलाते हो या पंचायत की तरफ से? पर्सनली पंचायत कहाँ है, बजट कहाँ है उसके पास, इतना पर्सनली डलवाते। तो जैसे अभी आपके यहाँ पे इस ग्रामीण के अंदर साफ सफाई की बात करेंगे, तो साफ सफाई की व्यवस्था के लिए अभी तक क्या सुविधा कर रखी है पंचायत की? साफ सफाई के लिए तो अभी जो नए सरपंच साहब बने हैं अपने अख्तर हुसैन जी, जब से वो सरपंच बने हैं तब से उसने यहाँ ट्रैक्टर लगा दिया, गली गली घूमता है ट्रैक्टर, और अपना कचरा जो सब घर वाले उसमें डाल देते हैं और टोले से वो बाहर ले जाकर डाल देते हैं। अच्छी व्यवस्था है, सफाई की कोई कमी नहीं है। तो जैसे पीने के पानी की अभी बात कर रहे थे अपने, तो कनेक्शन जो हुए हैं, तो कनेक्शन कब हुए आपकी? कनेक्शन तो 2-3 महीने से हो ही रहे हैं। तो ये जो अभी सरपंच बने, उनके बनने के बाद हुए या पहले हुए? नहीं, वो कनेक्शन तो बाद में ही हुए हैं। हाँ, ये योजना जो चल रही है तो बाद में अभी हुए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे जो पानी की जो सप्लाई करते हैं टैंकर के, जो टैंकर से, तो वो हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। इस गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर जो टैंकर सप्लाई करते हैं, तो पंचायत की तरफ से हो रहे हैं या खुद पर्सनल कर रहे हैं? नहीं, खुद पर्सनल कर रहे हैं जी। पर्सनल डलवाते हैं सब? हाँ, खुद पर्सनल अपना। तो कितने टैंकर लगते हैं पूरे पंचायत के अंदर आपके? वो तो अलग अलग टैंकर खूब चल रहे हैं गाँव में, 10 टैंकर चल रहे हैं। 10 टैंकर? हाँ जी, 10 टैंकर इस गाँव के अंदर पानी की जो पूर्ति है पूरी करते हैं। हाँ जी, 10 टैंकर। तो आप टैंकर से, जैसे टैंकर कहाँ से भर के लेके आते हो आप? कुएं से। हाँ जी, कुएं वाला पैसे लेता है? लेता तो पैसे तो लेता ही है कुएं वाला, तो उनकी लाइट जलती है, जनरेटर में तेल जलता है, जनरेटर से भरते हैं।
तो गांव की जो पानी की जो समस्या है, इस मुद्दे के ऊपर अभी हम प्रशासन से भी बात करेंगे और यहां के जो सरपंच हैं उनसे भी बात करेंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ है, तो बाबू जी आप की उम्र कितनी है? उम्र 62 साल की। 62 साल। तो आपके जो तालाब बना हुआ है, तो तालाब के अंदर जो पानी है कब भरा था लास्ट टाइम के अंदर? 2 साल पहले भरिया। अब बाढ़ तो हुका ही है, थोड़ा बहुत पानी है। तो तालाब के अंदर जब पानी आता है पीने के लिए भी आपका आता है या नहीं आता? नहीं, पीने के लिए नहीं आता तालाब में पानी। आता ट्यूबवेल है, भी ट्यूबवेल आवे जो कोई खाई आवे पानी, दो मटकी आवे, तीन मटकी आवे। पहले भी 8-10 दिन से आता था। हमारे तो 2 महीने का कनेक्शन कटोड़ा पड़िया खड्डे बटू, कनेक्शन कट गया हमारे तो 2 महीने का पानी आया ना टेंकर ही कुड़ा में। तो 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है। 20 दिन से पानी नहीं, 20 दिन से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। और 20 दिन में मैंने 2 टैंकर कुडवा लिया 600 रुपये लगा के, और बिल तो समय समय पर आता ही है वो पानी वाला, और बिल हमारा कोई पेमेंट बाकी रखता नहीं है, बिल टाइम टू टाइम भर देते हैं, और पानी की तो समस्या रहती ही है। आपकी पंचायत में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? हमारे साफ सफाई की हमारी पंचायत की तरफ से बहुत आभारी है उसके। हमारे यहाँ मतलब जो कचरे कुल्डे का है वो सफाई हो रही है, बरोबर है। बाकी हमारे बैंक का है वो व्यवस्था नहीं है, इधर परेशान है इस चीज़ से। हॉस्पिटल से हम परेशान है, वो व्यवस्था नहीं है। इस गांव के अंदर पानी कभी पानी वाला भी क्या करता, पुरानी लेन वालों में देता तो देता नहीं, प्यासा बैठा रहना पड़ता है। और बोलते तो और मिजाज भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा कि तुमने ऐसा कैसा बोल दिया यार भाई, बोला तो पानी का है तेरे को, और क्या बोला है। जैसे अभी सरकार के 2.5 साल पूर्ण हो रहे हैं, तो 2.5 साल का जो कार्यकाल है सरकार का, तो आपके जो यहाँ से MLA है, यहाँ पे जो भी चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो आप जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, तो आपके यहाँ पे MLA आए होंगे, क्या क्या वादे किए थे यहाँ? यहाँ पे वादा किया बैंक करने के लिए, जो बोला बैंक देंगे आपको, वैसा बनाएंगे हॉस्पिटल आपको देंगे, वैसा बनाएंगे, अभी तक नहीं हुआ है। और अब रही बात शौचालय का, जिसके पास गांव के अंदर जितने भी दिए हैं नागरिकों को कि भाई इतने आदमियों को मतलब मैंने ये दिया है पैसे इसके मतलब शौचालय के, कभी किसी के तो 50-50, 100-100 आदमी का बिल्कुल बेचारा के एक पैसा भी नहीं आया, क्या एक पैसा भी नहीं आया उसका। ये हालात है कि बात क्या है, जो सबका आया हमारे क्यों नहीं आया? हम क्या नागरिक नहीं है यहाँ के? हमने वोट नहीं दिए, सब कुछ तन मन से साथ दिया। आपके यहाँ पे बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, तो पानी की पीने की व्यवस्था क्या है? पानी की पीने की व्यवस्था नहीं, पानी की अच्छी है व्यवस्था, कचरे की व्यवस्था अच्छी है, दो चीज़ की है। बाकी कभी कभी पानी में समस्या हो, नहीं सुनो, पानी के अंदर अभी जो नया कनेक्शन किया है उसमें पानी आ रहा है, वो बात नहीं है। पुराने वाले में भी पानी नहीं दे रहा है, बहुत कम आ रहा है उसमें। बाकी उसमें एक कारण है कि जैसे काम हो रहा है उसका, काम की वजह से कम हो सकता है, काम हो जाएगा तो पूरा भी दे। तो बकरी पंचायत के अंदर जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। बाढ़ स्वच्छ मिशन के तहत जो ODF ग्राम पंचायत हुई, तो पूरे राजस्थान के अंदर, तो उसके अंदर ODF धरातल पे हुई या डॉक्यूमेंट में हुई, तो इस पे बात करेंगे। GR हमारे उनके जो क्या पद रहा आपके पास, DRG के सदस्य रहे ग्रुप के, तो इनसे बात करेंगे। इस पंचायत के अंदर लोगों को कितना जागरूक किया, और ये पंचायत वास्तव में धरातल के ऊपर ODF हुई या डॉक्यूमेंट में हुई? तो खान साहब, जैसे आप सदस्य रहे तो उसके अंदर आपने घर घर जाके लोगों को अवगत कराया होगा, तो कहाँ तक ये पंचायत पूरी ODF, हमने अभी आपके सामने आपने देखा, आप साथ में थे हमारे, तो कहीं ना कहीं भारत स्वच्छ मिशन के तहत लोग बाहर शौचालय के लिए जा रहे थे, तो इसका कारण क्या है? जब 2011 के अंदर शौचालय के लिए जो फार्म भरे थे हमने ग्राम पंचायत से कि भाई किसको शौचालय की ज़रूरत है, तो जो प्रस्ताव में थे 1000 या 1100 आवेदन थे, उनका पूरे को हमने भुगतान करवा दिया था ग्राम पंचायत ने, और हमारे पास में कोई बकाया नहीं रहा था। अब वैसे उस टाइम जब ये ODF हुई थी, तो उस टाइम जब टीम आई थी, उस टाइम मतलब भी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि भाई कोई बाहर खुले में शौच करता पाया गया हो। काफ़ी 2-4 दफ़े आई थी वो टीमें, बाहर से आई थी, जयपुर से आई थी, नागौर से आई थी, और ODF हो भी चुका है, लेकिन लोगों की जो ये है ना मतलब फितरत है, लोगों को बहाना चाहिए कि भाई हम तो हमें मतलब शौचालय के अंदर बैठते हैं तो हमें तो लगती नहीं है, हम वहाँ पे। जैसे अभी आपने ऑफलाइन बात कर रहे थे, आप बता रहे थे भी कहीं ना कहीं सरकार का दबाव था, अधिकारियों का दबाव रहा, और कुछ ऐसे अधिकारी थे जब उनसे पूछा गया भी आपकी ग्राम पंचायत ODF हो चुकी है, तो उन्होंने मतलब धरातल पे नहीं हुई, फिर भी उन्होंने बोल दिया 80% यहाँ से ODF हो चुकी है पंचायत। उन्होंने हमें टारगेट दिया था। उसके अधिकारी कौन थे? हमारे रेखा गोड़ थी विकास अधिकारी, और SDM साहब थे राजेंद्र सिंह राठौड़।
तो उन्होंने हमें कहा था भाई हम 80% पे मतलब भी हमें टारगेट पूरा करना है। हम वहाँ से मतलब आगे हम जयपुर में मीटिंग में हमने 80% बता दिया है, तो आपको 80% कार्य करना था, हमने 80% का टारगेट पूरा भी किया था, ऐसी बात नहीं किया था, हमने किया जो अधिकारियों ने किया था कहा था वो हमने भी किया था, ऐसी बात नहीं। इस गांव ने हमारे अंग्रेज की सरकार और हमारे अंग्रेजों के जो ठेकेदार थे रे राजा महाराजा उनसे लड़ाई ये गांव ने लड़ी है, जिसकी हमारे इस थाना के अंदर आज भी आपको रिकॉर्ड मिल सकता है। और थाने के अंदर कई वर्षों तक हमारे बकरी का नाम लाल अक्षरों के अंदर छपा हुआ था, और मैं उस वक्त 14 साल का बच्चा था जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था। हमने झंडा फहराया इस गांव में, और जो इस गांव में जो अंग्रेजों के ठेकेदार थे उनका हमने मुकाबला किया था उस वक्त, और इस देश को आज़ाद सुना। और ये भी हमने समझा हमारे यहाँ दो वर्गों के आदमी रहते हैं, हिंदू और मुसलमान, हम सब भाई भाई है। हमने ये पाठ पढ़ाया और हमने पढ़ा और पढ़ा पढ़ा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, सिख ईसाई हम नए सब भाई भाई। और आज हमारा जो राष्ट्रीय गान है जो रविंद्र, आप जैसे अभी देखते हो जो सोशल मीडिया आने के बाद में सबसे बड़ा जो आप अभी बता रहे थे अब इस गांव के अंदर हमारा भाईचारा हिंदू और मोहम्मदन, तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो आप देखते हो छोटी सी कोई बात होती है तो वायरल होती है, उससे दंगे फैलते हैं। तो यहाँ के जो दर्शक देख रहे हैं, आप पूरा भारत देश आपको देख रहा है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो अपनी तरफ से? मेरी तरफ से यही देना चाहता हूँ कि आज के 10 साल के पहले हमारे ये कोई बात नहीं थी, हम सब यहाँ बैठ करके गांव के बीच में हमारे किले के सामने बैठ करके या कोई भी गांव में दोनों मुसलमान और हिंदू ये दो संप्रदाय के आदमी हम बैठ करके हमारा न्याय कर लिया करते थे, और अदालत में हम हमारी कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं जाने दी। और अब मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अब जमाना कुछ अलग आ गया, इस जमाने के अंदर अब इस बात में हम समझते नहीं हैं ये जो है, तो भी फिर हम इन बच्चों को ये कहते हैं भाई ये जो तुम रिकॉर्ड बनाते हो ये नहीं बनाना चाहिए, किसी बात की किसी कोई गलती कर लेता तो यहीं बैठ करके गुवाड़ के अंदर ग्राम पंचायत बकरी में बैठ करके अरे उस बात का निर्णय करके उसको साफ कर देना चाहिए, अरे उसकी उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे क्या हिंदू मुसलमानों में कोई भी झगड़ा फैले नहीं। इसका हम लोग बहुत ध्यान हमने 50-60 साल तक इसका पूरा ध्यान रखा, और अब युवा पीढ़ी से भी मेरा यही निवेदन है इस बात पर ध्यान रखना, किसी प्रकार का भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, पुलिस में नहीं जाना चाहिए, और गांव के बारे नहीं जाना चाहिए। और मैं उस वक्त 14 साल का बच्चा था जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था, हमने झंडा फहराया इस गांव में, और जो इस गांव में जो अंग्रेजों के ठेकेदार थे उनका हमने मुकाबला किया था उस वक्त, और इस देश को आज़ाद सुना। और ये भी हमने समझा हमारे यहाँ दो वर्गों के आदमी रहते हैं हिंदू और मुसलमान, हम सब भाई भाई है। हमने ये पाठ पढ़ाया और हमने पढ़ा और पढ़ा पढ़ा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, सिख ईसाई हम नए सब भाई भाई। और आज हमारा जो राष्ट्रीय गान है जो रविंद्र, आप जैसे अभी देखते हो जो सोशल मीडिया आने के बाद में सबसे बड़ा जो आप अभी बता रहे थे अब इस गांव के अंदर हमारा भाईचारा हिंदू और मोहम्मदन, तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो आप देखते हो छोटी सी कोई बात होती है तो वायरल होती है, उससे दंगे फैलते हैं। तो यहाँ के जो दर्शक देख रहे हैं, आप पूरा भारत देश आपको देख रहा है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो अपनी तरफ से? मेरी तरफ से यही देना चाहता हूँ कि आज के 10 साल के पहले हमारे ये कोई बात नहीं थी, हम सब यहाँ बैठ करके गांव के बीच में हमारे किले के सामने बैठ करके या कोई भी गांव में दोनों मुसलमान और हिंदू ये दो संप्रदाय के आदमी हम बैठ करके हमारा न्याय
कर लिया करते थे और अदालत में हम हमारी कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं जाने दी। और अब मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि अब जमाना कुछ अलग आ गया। इस जमाने के अंदर अब इस बात में हम समझते नहीं हैं ये जो है, तो भी फिर हम इन बच्चों को ये कहते हैं भाई ये जो तुम रिकॉर्ड बनाते हो ये नहीं बनाना चाहिए। किसी बात की किसी कोई गलती कर लेता तो यहीं बैठ करके गुवाड़ के अंदर ग्राम पंचायत बकरी में बैठ करके यार उस बात का निर्णय करके उसको साफ कर देना चाहिए, उसकी उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए जिससे क्या हिंदू मुसलमानों में कोई भी झगड़ा फैले नहीं। इसका हम लोग बहुत ध्यान तो जैसे जहाँ पे पंचायत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, मतलब जैसे आप युवा हो, युवा होने के नाते आप इस ग्राम पंचायत के अंदर युवाओं के लिए आज तक मतलब क्या किया यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो सरपंच है? देखिए यहाँ पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या रही है युवाओं के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पंचायत का या गांव का कोई खेल मैदान नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। जैसे अभी युवा है मान लो खेल रहे हैं तो खेतों में खेल रहे हैं, अभी जैसे मान लो कोरोना काल चल रहा है तो बच्चों स्कूल वाले बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं और बाकी बाहर से भी लोग युवा साथी जो कमाने जाते हैं वो भी आए हुए हैं। तो जैसे अभी वहाँ गए तो स्कूल के अंदर ऊपर बाहर वो लिखा हुआ है अभी खेल मैदान, तो वहाँ पे स्कूल के अंदर क्या इतनी व्यवस्था नहीं है? वो मैदान केवल स्कूल के बच्चों के लिए अलाउ है, गांव के लिए वो मैदान अलाउ नहीं है। वो जो मैदान है वो स्कूल के अंडर है तो वहाँ पर बाकी बच्चे जब स्कूल चलती है तो उस टाइम जाके खेल सकते हैं। अब जैसे मान लो अभी स्कूलें बंद है तो अभी बच्चे वहाँ जाके नहीं खेल सकते हैं, ऐसी बात है। तो जैसे हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या हमने देखी यहाँ पे, तो क्या लगता है जैसे प्रोफेसर कितने किलोमीटर है आपके यहाँ पे नज़दीक कौन सा हॉस्पिटल पड़ता है? देखिए हॉस्पिटल की समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ से प्रोफेसर लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पर CSC है और यहाँ पर हमारे गाँव में PSC। हमने पहले मांग भी की थी सरपंच साहब के नेतृत्व में, तो कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई थी, कुछ नेताओं से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा था जैसे अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि OPD बनना ज़रूरी है और OPD बनने के बाद में अगर OPD के आधार पर जो PSC है वो CSE में कन्वर्ट होता है और उसके बाद में जो समस्या है बिल्डिंग की, PSC के लिए बिल्डिंग की, तो नेताओं ने कुछ मंत्रियों ने कहा कि अगर कर्मोन्नत हो जाता है तो उसके बाद में आपको बिल्डिंग दूसरी जगह अलाउ किया जाएगी, जब तक कर्मोन्नत नहीं होता है तब तक इसी बिल्डिंग में PSC चलेगा और अगर PSC CSE में कन्वर्ट होगा पहले तो उसके बाद में आपको दूसरी जगह हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग अलाउ की जाएगी। तो जैसे साफ़ सफाई की व्यवस्था इस गांव के अंदर कैसी है? साफ़ सफाई की व्यवस्था जैसे मैं अभी 28 साल का हूं तो मैं जहां से समझदार हुआ हूं मैंने पहली बार देखा है कि किसी भी सरपंच के कार्यकाल में कचरा उठाने की इतनी माकूल व्यवस्था। जैसे यहाँ पर कचरा उठाने के लिए सुबह ट्रैक्टर आता है, हर गली में हर वार्ड में हर घर के सामने से ट्रैक्टर गुजरता है और एक आवाज़ के माध्यम से घर में जो भी कचरा होता है उनको मोटिवेट करके कचरा उनमें डलवाया जाता है और वो कचरा जहाँ खड्डे हैं या जहाँ पर मान लो खड्डे पड़े हैं जो फालतू ज़मीन है वहाँ पर उनको ला करके भंडारण कर दिया जाता है, जहाँ ऊपर रेत डालने के बाद में खड्डे भी समतल हो जाएंगे और कचरा भी नष्ट हो जाएगा। तो ग्रामीणों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि इसको मतलब साफ सफाई के लिए कभी ध्यान नहीं दिया जी। और इसमें जो पहाड़ ना उस पहाड़ पे बम्बूल उग रखे हैं तो अगर बम्बूल नहीं निकल गए तो उस पहाड़ को भी खतरा है और तालाब की जो पहाड़ है बांध की तरफ उधर साइड में वो पहाड़ भी क्षतिग्रस्त हो रखी है, उसकी रिपेयरिंग भी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ जैसे पीने की पानी की व्यवस्था क्या है इस टाइम? पानी की पीने की व्यवस्था तो वैसे अच्छी है लेकिन जब भी ये नई लाइन डाली है ना इससे भी डिस्टर्ब हो रखा है। हाँ जी, तो नई जो लाइन आई है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रहा क्या? उसमें अभी कनेक्शन नहीं हुए पूरे, तो कनेक्शन नहीं हुए तो कभी नई लाइन से देते हैं कभी पुरानी से देते हैं, इस हिसाब से व्यवस्था थोड़ी अव्यवस्था हो रखी है पानी के बारे में जी। तो यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था क्या है? साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है ग्राम पंचायत की, ट्रैक्टर घूमता है रोज हर घर पे और सफाई में कोई कमी नहीं है, अच्छी व्यवस्था है।